नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर में हो रही है कुछ अनोखी घटनाएं जो आजकल नागपुर को चर्चा का विषय बना रही है। हॉस्पिटल से जुड़ी खबरें ऐसे सामने आ रही है जैसे कोरोना पेशेंट जिनके घर में है उनको भी डर लग जाए हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। अब ऐसी ही एक खबर हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, जहाँ जामठा स्थित गायकवाड़ पाटिल हॉस्पिटल में जिंदा महिला को ही मृत बताया गया और परिजनों को फोन पर इसकी जानकारी दी। परिजनों ने सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी। फिर थोड़ी देर बाद और फोन आया और बताया जाता है कि मरीज की मौत नहीं हुई है, किसी अन्य मरीज की हुई है। अस्पताल की ऐसी लापरवाही से परिजन गुस्से में है। काशीनगर परिसर निवासी आशाबाई मून का गायकवाड़ पाटिल अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार सुबह को फोन आता है और बताया जाता है कि आशाबाई की मौत हो गई और उसका मृत्यु प्रमाण भी दिया जाता है। लेकिन जब शव का चेहरा दिखाया जाता है तो वह कोई और ही महिला होती है। अस्पताल की इस लापरवाही की वजह से परिजनों ने अपने पेशेंट को ही और शिफ्ट कर दिया है।